वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। तो आज हम देखने वाले हैं एक वीडियो जो कि है सैयद डॉक्टर रिजवान अहमद का, अयोध्या के बारे में कुछ जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो देखते हैं, सुनते हैं एंड आपकी राय ज़रूर बताइएगा इस बारे में। प्ले करते हैं। तो साथियों, आज तो आप लोगों को पता ही है क्या बात होने जा रही है। आधा पता है आधा नहीं पता है, इतना तो आपको पता है कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद आपको बधाई देंगे, अपने आप को भी बधाई देंगे, क्योंकि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने एक स्टैंड लिया था 20 साल पहले। क्यों बोल रहा हूं 20 साल पहले, ये भी बताऊंगा, पहले आपको बधाई दूंगा, फिर यह बताऊंगा कि 20 साल पहले जो स्टैंड लिया था ये भी आप लोग को मालूम है, अपने आपको बधाई दे रहा हूं। और फिर ये भी बताऊंगा, जैसे 20 साल पहले मुझे भविष्य पता था कि यहां पर रामलला विराजमान है, रामलला का जन्म स्थान पर अक्षर स्थान पर एक भव्य मंदिर इतना बनेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला है। और आज की डेट नोट कर लीजिए, 22 जनवरी। आज रिजवान अहमद से लोग पूछते हैं ना कि तुम भविष्य का कैसे बताते हो, खासतौर से सोशल रिलीजियस इश्यूज को लेकर। आज बताएगा रिजवान अहमद 25 साल बाद अयोध्या एक बार फिर बवाल का केंद्र कैसे बनेगा। आज बता रहा हूं, आप लोग मुझे गालियां देंगे, कोई कहेगा अरे छोड़ो यार बहुत आगे की सोचते हो, यही मेरा काम है। 25 साल बाद बता रहा हूं अयोध्या एक बवाल का, या 10 साल बाद, या 5 साल बाद, या 15 साल बाद एक बवाल का, खा बखा के एक बवाल का केंद्र कैसे बनेगा, सुनिएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब सनातनी भाइयों। आप लोगों को लाख लाख शुभकामनाएं आपके धैर्य के लिए, आपके विश्वास के लिए कि 500 साल पुरानी लड़ाई आप जीते। 500 साल पुरानी लड़ाई में क्यों बोल रहा हूं, 2002 तक 500 साल पुरानी लड़ाई में इसको नहीं बोलता था, भ्रमित था, मेरे पिताजी भी, मेरे अबू भी भ्रमित थे। लेकिन 2003 के बाद एक्सकेवेशन हुआ और नीचे से दफन चीजें निकली जिनको खंडित करके वहीं पर दफन कर दिया गया था, जो चीख चीख के कह रही थी कि हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इस्लामिक आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। उस दिन हमने यह तय कर लिया था कि अब इस जगह को हम बाबरी मस्जिद नहीं, बाबरी ढांचा बोलेंगे। उससे पहले हम भी इसको बाबरी मस्जिद बोलते थे और हाँ, दिमाग में विरोधाभास था कौन सच है कौन गलत है। लेकिन 2003 ने बिल्कुल पता, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बादल छट गए थे, बिल्कुल छट गए थे, धूल छट गई थी और साफ हमें नजर आ रहा था कि यह मस्जिद किसी चीज को खंडित करके बनाई गई है। और चीजें चीख चीख के कर रही थी कि वो सनातनियों की अमानत है, सनातनियों को दे दो, भविष्य देखा था 20 साल पहले, आज वो सच हुआ है। इसलिए खुश हूं, आपके लिए अलग वजह से खुश हूं, अपने लिए अलग वजह से खुश हूं, मैं किसी पक्ष का नहीं। कल मुझसे किसी ने पूछा कि आज आपका क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं तो एक गवाह हूं, सोशियो रिलीजियस इशूज को लेकर, सामाजिक धार्मिक इशूज को लेकर मैं सिर्फ एक गवाह हूं। मेरी गवाही किसके पक्ष की हो जाएगी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और किसके विरोध में चली जाएगी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो 20 साल इसकी गवाही देता रहा और काशी विश्वनाथ की भी 20 साल आने वाले वक्त पर गवाही देता रहूंगा, क्योंकि वो मस्जिद भी चीख चीख के बोल रही है मैं किसी और की अमानत पर बनी हूं। साफ बात, तो यहां तक तो ये बात है, आपको बधाई, मुझको बधाई। मुसलमान भाइयों, आज आप कहाँ हैं? आज आप कहीं नहीं हैं, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, सारे इंडस्ट्रियस वहां पहुंचे हैं, सब वहां पहुंचे हैं। और जैसा मैं बोल चुका हूं कि जो नहीं जा रहा है आज वो कह रहा है मैं कल जाऊंगा, और आपकी उसे पूछने की हिम्मत ही नहीं है कि प्रभु तुम वहां कल क्यों जाओगे, कल तक तो तुम हमारा साथ दे रहे थे कि हाँ मंदिर गलत तोड़ के मंदिर बनाया गया है, तो क्या गलत मंदिर में भी आप जाओगे? तो देखो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, और ना तुम्हें उससे हिम्मत ये कहने की, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म तुम्हारा, तो तुमने सेकुलरिज्म का देश में सपना क्रिएट किया था झूठा, वो टूट चुका है, हर सनातनी वहां पहुंचेगा और तुम देखते रहोगे। अब वीडियो बहुत छोटा सा है, इसको खत्म करते हैं। आज बता दूं 25 साल बाद अयोध्या का एक नया बवाल, आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं, पहले के प्रेडिक्शन तो मीडिया में छपते थे, खत्म, आज ऑडियो वीडियो प्रेडिक्शन दे रहा हूं। अब साहब वहां पर जो बाबरी मस्जिद के लिए 5 बीघा जमीन दी गई थी, वहां पर मस्जिद बनने जा रही है जिसका नाम रखा गया है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ठीक, जिसमें मक्का शरीफ के जो इमाम साहब हैं उनको इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया ये भी बता दूं, 5 साल में चंदा जमा हुआ नहीं, लगभग 40 लाख रुपए जमा हुए, जिसमें से बड़ा मुख्य हिस्सा हिंदू भाइयों ने चंदा दिया था। अभी भी वहां बकरियां चल रही हैं, अभी भी वहां लोग अपनी गाय भैंसों को चरा रहे हैं उस जमीन पर 4 साल बाद। तो साहब सऊदी अरेबिया के मक्का के उनको जोड़ लिया गया ताकि वहां से पैसा मिले, ज़कात मिले मस्जिद के लिए। जब चाहते हैं हम मुसलमान कह देते हैं सऊदी अरेबिया पाक मुकद्दस जगह है, जब चाहते हैं हम कह देते हैं हमें सऊदी अरेबिया से क्या मतलब। अब आप सोचेंगे आज क्यों बात बोल रहा हूं, बता रहा हूं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद इस बारे में नाम नोट कर लो, अयोध्या एक बार पुनः बवाल का केंद्र बनेगी। कैसे साहब, आर्टिकल पढ़ रहा था, जो साहब वहां पर 5 बीघा जमीन दी गई है, पहले तो ये होता चाहिए नहीं, चाहिए ही नहीं, बड़ी अच्छी बात है, वहां पर ये आ रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे भव्य मस्जिद बनेगी, आहा, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ वहां रखा जाएगा, वो साहब कैंसर इंस्टीट्यूट भी होगा, वो साहब हॉस्पिटल भी होगा, वो साइंस सेंटर भी होगा, वहां पर लाइब्रेरी भी होगी, वहां पर मंगल ग्रह से स्पेसशिप उतरने का एयरपोर्ट भी बना दो एक, यानी सारे काम अब इसी मस्जिद में होंगे। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है, वहां पर इतने लोगों का फ्री इलाज भी होगा, वहां पर ये भी होगा, वहां पर वो भी होगा, सारे बयाने ले लो। एक तो बयाने लेने का ये रीजन है कि ये ऊपर से आता रहेगा तो हाँ पेट भी भरता रहेगा, दूसरा कि साहब देखिए यहां पर हमने क्या भव्य मस्जिद बनाई है। चलो भाई बना लो, अब ये रिजवान अहमद का विजन है, आज बता रहा हूं, नोट करो, 22 जनवरी को बता रहा हूं ये बात, साहब बना लो, बड़ी भव्य मस्जिद बन गई, साइंस सेंटर भी बन गया, ये भी बन गया, लाइब्रेरी भी बन गया, अस्पताल भी बन गया, वहां पर लंगर भी चलेगा, तो कहीं नहीं चलता लेकिन वहां चलेगा, अयोध्या की मस्जिद में चलेगा, ठीक है। अब साहब आपने पूरा सेटअप बना दिया, पूरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अब क्या होगा, अब वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे, वहां पर कॉन्फ्रेंसिस ऑर्गेनाइज होंगी, वहां पर कॉन्फ्रेंसेशन होंगे, वहां पर बड़े बड़े सेमिनार होंगे, अब आप पूरी दुनिया से लोगों को इन्वाइट करेंगे, दुकान भी चलती रहनी चाहिए, ठीक, अब वहां पूरी दुनिया से आप लोगों को इनवाइट करेंगे, अब पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान वहां पहुंचेगा, कहीं पहुंचे ना पहुंचे वहां पहुंचेगा, अब ऐसे ऐसे वहां पर दिन डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कि साहब किस दिन सबको यहां पहुंचना है, फलाना है, फलाना इज्तिमा हो रहा है, फलानी कॉन्फ्रेंस हो रही है, फलाना वहां पर गोष्ठी हो रही है, ये हो रहा है। अब लाखों आदमी वहां पर पहुंचेंगे, लाखों आदमी पहुंचेंगे तो वो अयोध्या में घूमेंगे, वो अयोध्या में घूमेंगे तो कहीं में झंडे बैनर भी लगेंगे, कोई पक्ष आएगा वो झंडे बैनर उतारने वाला आएगा, वहां पर मारपटैया होगी, वहां पर उस मस्जिद में बयानबाजी होगी, कोई बयानबाजी ऐसी होगी जो बहुसंख्यक पक्ष को विचलित करेगी, उनको नाराज होगी, वहां पर खाना चलेगा, हल्ला एक दिन बचेगा, यहां पर इस दिन खाने के लिए गैया काट दी गई, फिर ये तमाशे आज से कुछ दिन बाद अयोध्या में मस्जिद बनने के बाद शुरू होने जा रहे हैं।
इस मस्जिद से यह बयान दे दिया गया, फलाने आतंकी हमले के तार उस मस्जिद के मदरसे से जुड़ रहे हैं, ये जो आतंकी पकड़ा गया है ये जुमे की नमाज पढ़ने अयोध्या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मस्जिद भी गया था। ये सब तमाशे इस देश में 10 साल बाद शुरू होने जा रहे हैं, नोट कर लो। इसी तरह बताता है रिजवान फ्यूचर क्या होगा, होने जा रहे हैं। वो लोग वहां टहलेंगे, जो वहां पर आएंगे वो कहेंगे हमको भी रामलला का मंदिर देखने जा रहा है, एक पक्ष उन्हें अंदर नहीं घुसने देगा। फिर बात आएगी वहां पर मारपिटाई हो गई, ये वहां से यहां नमाजी आए थे वहां के लोकल किन लोगों के साथ मारपिटाई हो गई वगैरह वगैरह वगैरह। और उस मस्जिद पर चार आरोप भी लगने जा रहे हैं जिसमें कुछ झूठे भी झूठे भी होंगे, कुछ सच्चे भी होंगे। वहां पर जो लोग घूमने आएंगे उनके साथ लोगों की मारपिटाई भी होगी, झंडे बैनर भी होता है, करो तुम नेता चलाओ तुम दुकान आगे होने जा रहा है। 22 जनवरी को पहला ऐसा वक्त आया जो फ्यूचर बता रहा है। ये तो हो गया, तो फ्यूचर मैंने बताया था, इसके लिए तो बधाई दे दी, एक कट गया किस्सा खत्म, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 20 साल पहले बताया था, 20 साल बवाल की शुरुआत आज बता रहा हूं आप लोगों को, होगी मुसलमान फिर याद करना इस बारे में, तो तब तक जिंदा रहा तो रहा, नहीं रहा तो भूला हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन तब याद करोगे उस आदमी ने 22 जनवरी 2024 को ये बताया था कि अयोध्या में इस मस्जिद के चलते इस मस्जिद में जो इस्तमे होंगे और जहां जो लाखों आदमियों की भीड़ लगेगी और तुम अयोध्या किसी मस्जिद को शक्ति प्रदर्शन का अपना केंद्र बनाओगे तो देखो इस अयोध्या नगरी में फिर से आज से 10 साल बाद क्या हिंदू मुसलमान के बवाल होने जा रहे हैं। सिर्फ इस मस्जिद को लेकर जो तुम्हें दुनिया में सबसे बड़ी यहीं बनानी है, कहीं और बना लो यार, यहीं पर तुम्हें साइंस इंस्टीट्यूट, मेडिकल साइंस, खाना, लाइब्रेरी, सबसे बड़ा कुरान, सबसे बड़ी मीनार यहीं खड़ी करनी है तुमको, यार कहीं और कर लो, कहीं और कर लो। पर नहीं, तुम्हें दुकान भी चलानी है और पेट भी चलाना है, दोनों काम करने है, दुकान भी चलानी है, पेट भी चलाना है, बवाल भी चलाना है, बवाल से ही पेट चलता है और बवाल से ही दुकान चलती है। आके लंबी लंबी यहां पर बातें होंगी, लंबे लंबे यहां पर बयान दिए जाएंगे, बहुत से वो एंटी इंडिया निकलेंगे, बहुत से एंटी हिंदू निकलेंगे, उस पर फिर विरोध होंगे, फिर वो होगा इस मस्जिद में ताला लगाओ, फिर ये होगा मस्जिद के बगल में सीआरपीएफ की छावनी बना दी गई है, फिर ये होगा कि फलाना आतंकी किसी मस्जिद में नमाज पढ़कर गया था, या फलाने मौलाना ने इस मस्जिद में भी बयान दिया था, ये मस्जिद भी कटघरे में जाकर खड़ी होने जा रही है। 10 साल बाद देखना अयोध्या में क्या बवाल होगा। पहला बताऊं जो कंटेंट आज दे रहा है, 10 साल बाद गवाह बनेगा, जो मैंने बात बोली थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। भाई यार, अगर मैं कहूँगा कि मैं भी यही सोच रहा था तो गलत हो जाएगा। देखो बहुत, क्योंकि क्या है कि देखो लोग है ना, प्रिडिक्शन है ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। ध्यान से सुनो, लोग प्रिडिक्शन करते हैं बेस्ड ऑन के अभी तक क्या हुआ है ना, पास्ट के हिसाब से ही हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, अभी तक का पैटर्न क्या रहा है। तो देखो दो तरीके हैं, एक तो वो तरीका है जो इन्होंने देखा है, जो कि पैटर्न पे काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं कि हाँ कई जगह पे इल्ज़ाम लगे हैं, कई जगह ऐसा हुआ है, ये भी हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि कई इल्ज़ाम झूठे भी होंगे लेकिन बहुत से जो हो सकते हैं वो सच भी हो सकते हैं। अब मैं बताऊँ, उसमें एक पॉजिटिविटी जो मुझे दिखाई दे रही है, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया में बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया में बदलाव आ रहा है, अभी उन्होंने लिकर अलाउड कर दी है, उसके अलावा जो है और भी चीज़ें अलाउ कर रहा है वो, राइट। तो मतलब बहुत तेज़ी में बदल रहा है वो, मतलब जिस तरीके की वो सिटी है, जिस तरीके के वहाँ पर कानून थे और जिस मतलब जो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस हिसाब से वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है, ठीक है। तो अब जब वहाँ बदलाव आ रहा है तो हो सकता है कि बाकी सब जगह भी बदलाव आए। क्यों? क्योंकि ये जो सारा बवाल मचा है ना, ये उन्हीं के पैसों से मचा है, उन्होंने ही ये आइडियोलॉजी प्रमोट की थी, क्योंकि उनको सोवियत आर्मी को रोकना था वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। फिर वो उन्होंने अपने तरीके से और उन चीज़ों को यूज़ करा, अपने एम्स के लिए यूज़ करा। आपने कभी वहाँ नहीं होते हुए देखा होगा कि सऊदी अरेबिया में ऐसा हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं होता, वह वहाँ तान के रखते हैं बिल्कुल, मस्जिद में एकदम जो है लेटर जाता है कि ये बोलना है और इतना ही बोलना है, इससे अगर एक वर्ड इधर उधर हो गए ना भाई साहब तो आपकी ज़िंदगी इधर उधर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी मस्जिद से बैठ के कुछ भी चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं होता वहाँ, तो वहाँ बड़ा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उन्होंने ही ये प्रमोट किया था भाई, जो पेट्रो डॉलर जिसे कहते हैं, जो तेल बेच बेच के है ना, अब तेल भी ख़त्म हो रहा है भाई, गाड़ियों की हम हाइड्रो जो ला रहे हैं, राइट, तो उस हिसाब से भी पावर चलेगा, तो फिर भाई गाड़ियों से चलेंगी तो फिर की मतलब वैल्यू कम हो रही है ना आपकी, आपकी जो डिमांड है वो कम हो रही है, तो जाहिर सी बात असर आएगा। दूसरी बात, ये बदलाव बहुत तेज़ी से ला रहे हैं, तो हो सकता है कि अब ये जब प्रमोट करना छोड़ेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे करके बदलाव आए। अच्छा, रही बात इस मस्जिद की पर्टिकुलर, तो ये भी हो सकता है कि इट कैन बी ऑब्वियसली हम इसे किसी प्रीवियस उस पर रख के नहीं देख सकते, बट हम होप कर सकते हैं कि इट कैन बी, जिस तरीके से लाइब्रेरी बनाई है, जिस तरीके से और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो हो सकता है इट कैन बी अ न्यू वे टू बिल्ड आवर कम्युनिटी। कि यार देखो, मस्जिद का मतलब ये नहीं होता जाओ जाके सर पटक के आ जाओ, नहीं, इसका मतलब ये भी होता है मस्जिद कैन बी समथिंग जहाँ पर आप जाके नॉलेज हासिल करो, जहाँ पर जाके आप लाइब्रेरी में बुक्स होंगी, 10 तरीके की बुक्स होंगी। अब वो डिपेंड करता है ये लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते, या फिर वो इस्लाम से ही जोड़ के बस सारी बुकें भर देते हैं, तो फिर वो मतलब
डिपेंड करता है, अब नॉलेज तो नॉलेज होती है, लेकिन खैर मैं चाहता हूँ कि हाई होप्स हो, मैं चाहता हूँ कि यू नो ऑब्वियसली, बट लेट्स सी के क्या होता है ना। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूल जाना भाई, भूल जाते हो आप लोग।